महाराज एक शिष्य गया राजर्षि परीक्षित को सारी घटना बताई। जैसे ही परीक्षित को यह पता चला कि मुझे मरने का श्राप लगा है तो पता है मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसको ये पता है कि आज से सातवें दिन बाद नहीं प्यारे किसी को नहीं पता है कि मेरी मृत्यु कब होगी। किसी को नहीं पता है, लेकिन परीक्षित को दुख भी इस बात का हुआ कि मेरे द्वारा संत अपराध हो गया और उस बालक ने बड़ी कृपा की कि मुझे 7 दिन दे दिए, वरना संत अपराधी शरीर को तो महाराज 7 सेकंड देना भी एक अपराध है। जिसने संत का अपमान कर दिया हो, ब्राह्मण का अपमान कर दिया हो, वेद ग्रंथों का अपमान कर दिया हो, पुराणों का अपमान कर दिया हो, उसे तो तत्कालीन सूली पर लटका देना चाहिए, ये परीक्षित जी कह रहे हैं। लेकिन अब 7 दिन तो मिले हैं बंधुओं, 7 दिन हमारे आपके भी जीवन में हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं बना है। हमें आपको भी स्वर्ग में जाना है, नर्क में जाना है, वैकुंठ में जाना है, साकेत धाम जाना है, जहाँ भी जाना है इसी 7 दिन में जाएंगे। और यह भागवत कथा भी 7 दिन में होती है और इसी भागवत कथा के माध्यम से 7 दिन में ही मुक्ति मिलती है। तो सप्ताहो तथा धन्या, ये 7 दिन धन्य हैं। कब? जिस हफ्ते में भागवत कथा सुनने को मिल जाए वो 7 दिन धन्य हो जाते हैं। महाराज राजर्षि परीक्षित सब कुछ अपने पुत्र जनमेजय को समर्पित करके उनको राजा बना करके एक पतली सी धोती पहनकर महाराज नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर आकर विराजमान होते हैं। और समस्त संत जैसे ही पता चला कि राजर्षि परीक्षित को आज से 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, सब महाराज आकर परीक्षित को घेर लेते हैं। परीक्षित महाराज बड़े ही शांत भाव से बैठे हैं और समस्त संतों से केवल एक ही प्रश्न करते हैं, क्या? बोले मृियमाणस्य किं कर्तव्यम्, मरने वाले को क्या करना चाहिए। समस्त संतों ने महाराज ग्रंथों को पलटना चालू कर दिया। बोले भैया मरने वाले को 9 दिन में 9 दिन मैया दुर्गा का व्रत करना चाहिए। तो बोले भैया वो तो 7 दिन, राजर्षि परीक्षित को तो 7 दिन में मुक्ति चाहिए और नवरात्रि का व्रत 9 दिन का होता है तो 2 दिन ज्यादा हो जाएगा, व्रत पूरे नहीं हो पाएगा। गंगा स्नान करिए, अरे उसके पास 7 ही दिन है। समस्त संतों ने समस्त ग्रंथों में कोई समाधान नहीं मिला। तभी भगवान क्या हुआ कि तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो मृतश्च बालैरवधूभेषः। उसी समय महाराज तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो स्वयं भगवान व्यास पुत्र के रूप में श्री सुखदेव के रूप में महाराज राजर्षि परीक्षित के सामने आकर बैठ गए। और बंधुओं एक बात बताऊं, जैसे ही राजर्षि परीक्षित के सामने सुखदेव भगवान आकर विराजमान हुए, परीक्षित की मुक्ति उसी समय निश्चित हो गई। क्यों? कैसे? बोले देखो, सांप काटता कहां है? पैर में। तो सांप के जहर को विष कहते हैं, तो विष ऊपर से चढ़ता है, है ना? है ना? ऊपर से ही तो चढ़ेगा, पैर में काटेगा तो ऊपर चढ़ेगा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं राजर्षि परीक्षित तुम चिंता मत करना, मैं आ गया हूँ, मैं एक क्षण में मुक्ति देने की गारंटी लेता हूँ, एक सेकंड में मुक्ति दे दूंगा। सभी संत महाराज आश्चर्यचकित हो गए, घबराए कि भैया इनके पास ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है कि ये खिला देंगे तो परीक्षित को 1 सेकंड में मुक्ति मिल जाएगी। बोले मेरे पास है जड़ी बूटी। कौन सी? बोले कृष्ण नाम की। सांप जैसे ही पैर पर काटेगा वैसे ही मैं राजर्षि परीक्षित के कान में काटूंगा, मैं बोल दूंगा कृष्ण। उधर से सांप काटेगा महाराज, विषय ऊपर चढ़ेगा, आध्यात्म नीचे चढ़ेगा, बीच के हृदय में आकर दोनों में द्वंद होगा और मैं गारंटी लेता हूँ परीक्षित कृष्ण नाम की विजय हो जाएगी, तुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ।
तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो। मनो याद रखिए, जब हम कभी आपत्तियों में फंसते हैं, विपत्तियों में फंसते हैं, तभी भगवान स्वयं गुरु के रूप में हमारे सम्मुख आ करके हमें उन आपत्तियों और विपत्तियों से बचा लेते हैं। जो भी भगवान का दर्शन करना चाहता है वो अपने गुरु का दर्शन, गुरु साक्षात ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भगवान ही परीक्षित के गुरु बनकर के आ गया। क्यों? परीक्षित के जन्म के समय ब्रह्मास्त्र चला था तो गोविंद स्वयं गए बचाने, लेकिन आज जब वज्र चला है महाराज तो भगवान भी कहते हैं कि मैं तुझे वाणी रूपी गदा से बचाऊंगा। और महाराज राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया, मृियमाणस्य किं कर्तव्यम्, मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोले सुखदेव जी, बोले भैया एक बात बताऊं, मरने वाले को भागवत सुनना चाहिए। मरने वाले को क्या करना चाहिए? भागवत सुनना चाहिए। तब महाराज यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न होते हैं। राजर्षि परीक्षित से सुखदेव भगवान ने पूछा, भैया ये बात बताओ तुम्हें कौन किस प्रकार की मुक्ति चाहिए? मुक्ति भी बंधुओं दो प्रकार की होती है, सद्योमुक्ति क्रम मुक्ति। सद्योमुक्ति क्या है? बोले प्रयागराज एयरपोर्ट से हमने हवाई जहाज मुंबई के लिए पकड़े, मारा सीधे बैठे और वैकुंठ धाम चले गए, मतलब मुंबई पहुंच गए। बीच में ना तो कोई स्टेशन मिला, ना तो कोई घर मिला, ना कोई मकान मिला, ये है सद्योमुक्ति। और क्रम मुक्ति, बोले प्रयागराज जंक्शन से हमने मारा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो भी ट्रेन का नाम हो, बैठे तो प्रत्येक स्टेशनों पर रुकती रही गाड़ी, हम वहाँ का आनंद लेते रहे, कुरकुरे है, चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, महाराज खाते पीते और मुंबई पहुँच गए। मतलब एक संत बन करके मुक्ति मिल जाती है और एक गृहस्थ जीवन से भी मुक्ति मिलती है। तो परीक्षित ने बोला, महाराज हमारे पास अब समय तो है नहीं ट्रेन वाला, क्योंकि इसमें सीट कंफर्म होने में थोड़ा संशय रहता है, हाँ दिन भर बेटियां मिलती है, इसलिए अब तो हमको फ्लाइट में बैठाओ, सीधे वैकुंठ धाम भेजो। बोले 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 राजन घबराना नहीं, मैं खुद ही फ्लाइट, अब मैं आ गया ना सीधे, कोई कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कहीं स्टॉप नहीं है। इस प्रकार महाराज राजर्षि परीक्षित ने सृष्टि विषय प्रश्न किया कि सृष्टि की संरचना कैसे हुई। तब सुखदेव भगवान ने सृष्टि के विस्तार किया, उसके बाद विराट स्वरूप का वर्णन किया और भागवत के दक्ष लक्षण बताए। दस लक्षण बताने के बाद प्रश्न होता है कि विदुर जी ने अपना पूरा भरा राज्य छोड़कर क्यों गए? महाराज प्रसंग बहुत बड़ा है, समय कम है, आप लोग ऐसा निर्धारित कर दिए महाराज कि 800 ऊपर एक मिनट भी नहीं होना चाहिए, नहीं हम तुझ घर चले जाएंगे। आगे चल करके महाराज विदुर और मैत्रेय मिलन होता है। जब विदुर और मैत्रेय जी का मिलन होता है तो विदुर जी मैत्रेय जी से फिर सृष्टि के बारे में पूछते हैं। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, सर्वप्रथम नारायण की नाभि से एक कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान ने इस सृष्टि की संरचना की, अंडज स्वेदज जरायु उद्भिद, ये चार प्रकार की सृष्टि बनाई गई, फिर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। महाराज ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि तो बढ़ी नहीं रही है, तब अपनी छाया से एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम था कर्दम। उसके पहले दाहिने हाथ से महाराज मनु और बाएं हाथ से महारानी सुरूपा का अवतार हुआ, जन्म प्रकट। फिर ब्रह्मा जी ने इनको आदेश किया कि भाई आप मैथुनी सृष्टि प्रारंभ कीजिए, तो हम मनु सुरूपा के पुत्र संतान होने के कारण हम आप मानव कहलाएंगे, जिनसे हुई यह सृष्टि, यह अनुपम सृष्टि महाराज मनु और सुरूपा के माध्यम से होती है। महाराज मनु के दो पुत्र तीन बेटियां,
दो पुत्र कौन है तानपाद और प्रियपाद, और बेटियां आकुति देहुरी और प्रसूति। कर्दम्ब ऋषि से महाराज मजली पुत्री माता देहुरी का विवाह होता है, और विवाह होने के बाद विवाह भी कर्दम्ब ऋषि ने एक शर्त पर की। भगवान आए थे विवाह कराने कर्दम्ब ऋषि जी का, तो जब भगवान आए बोले ऋषिवर आप मेरी आज्ञा है कि आप विवाह कर लीजिए। तो कर्दम्ब जी ने कहा भाई किससे करने विवाह कराने के लिए तुमको स्त्री चाहिए। तो बोले हैं कौन, बोले सम्राट मनु आज से परसों के दिन अपनी मजली बेटी देहूती को लेकर के आपके यहाँ आएंगे और विवाह आप कर लीजिएगा, मना मत करिएगा। तो बोले प्रभु विवाह तो कर लेंगे, हमको इससे लाभ क्या होगा। तो बोले चिंता मत करिए, मैं आपके यहाँ आपका पुत्र बन कर आऊंगा। जब यह बात कर्दम्ब ऋषि ने सुना तो ब्याह की करने के लिए स्वीकृति दे दी। और महाराज आज से तीसरे दिन सम्राट मनु अपनी देहूती यानी मजली दूसरे नंबर की कन्या को लेकर के आते हैं और कर्दम्ब ऋषि के साथ उनका विवाह होता है। और जैसे ही विवाह हुआ महाराज वैसे ही कर्दम्ब ऋषि समाधि में चले गए। हम कर्दम्ब ऋषि जी को समाधि में जाने दीजिए और हम लोग यहीं पर कथा विश्राम करते हैं और कल से महाराज फिर कल से कथा सुनाएंगे। और एक बात मेरा निवेदन है भैया, सभी कार्यकर्ताओं से हमारे व्यवस्थापक जी से जितने भी लोग हैं, श्री लल्ली रस्तोगी जी आप महानुभाव 5100 रुपए का सहयोग प्रदान किए हैं। और जो कन्या भोजन की कन्या पूजन एवं भोजन की व्यवस्था है 16 तारीख को, उसमें जो सब्जी की व्यवस्था होगी आप श्री लल्ली रस्तोगी जी की तरफ से है, जोरदार तालियों से स्वागत। आप हैं आदरणीय श्री कृष्णकांत रस्तोगी जी, आप महानुभाव भी 1100 रुपए का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप हैं आदरणीय आकाश गंगा वस्त्रालय, आकाश गंगा वस्त्रालय जी के तरफ से 1100 रुपए का सहयोग प्रदान हुआ है। आप हैं आदरणीय ब्रजेश वर्मा जी बसुहार वाले, आप महानुभाव भी 500 रुपए का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप हैं आदरणीय सौरभ रस्तोगी जी, आप महानुभाव 1100 रुपए का भी सहयोग प्रदान किए हैं। आप हैं राम लला रस्तोगी जी, 500 रुपए का सहयोग प्रदान किए हैं। आप हैं पवन स्वीट हाउस, पवन स्वीट हाउस की तरफ से 1100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। आप हैं श्री सुरेंद्र स्वर्णकार जी, श्री सुरेंद्र स्वर्णकार जी के तरफ से 1151 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। आप हैं आशा कॉस्मेटिक, आप महानुभाव 500 रुपए का सहयोग प्रदान।
Thank you.
Yeah.